मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के भौतिक सेक्टर प्रभारी द्वारा लाडली बहना योजना के बारे में दी जानकारी। हम आपको बता दें, खबर पिछोर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपारा से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के बारे में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सेक्टर प्रभारी विकास पांडे जी द्वारा महिलाओं को जानकारी दी गई कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या कागज देना है। इस संबंध में लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी दी गई। आप जो अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, जैसा कि वो आपको बहना कहते हैं और आप लोग उनको मामा कहते हैं, तो मामा ने अपनी बहनों के लिए सशक्त करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो लागू की है, उसके लिए EKYC कराना अनिवार्य। उसमें 23 वर्ष से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं के लिए ये योजना सरकार ने CM साहब ने लागू की है। तो उसमें क्या है, आधार कार्ड, आपको किसी को ये बताया कि इसमें क्या क्या कागज लग रहे हैं, है जानकारी अम्मा, है जानकारी, बताया होगा किसी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोजगार सहायक सेक्रेटरी साहब ने कि इसमें क्या क्या कागज लगना है, परिवार आय विवाह आधार कार्ड और बैंक अकाउंट और उसमें लगना है। इन तीनों चीजों को इससे AKYC कराना, मतलब लिंक कराना है। जब ये तीनों चीजें इसकी लिंक होगी, उसके खाते में पैसे आएंगे। इसलिए सरकार के द्वारा कैंप के माध्यम से, या जैसे मान लो पंचायत भवन पे नेट नहीं चल रहा है, तो कंप्यूटर दुकान है सेक्रेटरी साहब के मार्फत यहाँ भी AKYC हो रही है। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ से आप AKYC करा के जाएं, तो अधिक से अधिक जो आपके आस पड़ोस में रहने वाली माता बहने हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी दें कि CM साहब के द्वारा ये योजना लागू की गई है, और इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार ID और बैंक अकाउंट AKYC के मार्फत कराई जाएगी। तो ये इस कंप्यूटर सेंटर पे करा सकते हैं, अखिलेश के कंप्यूटर सेंटर। धन्यवाद।